दुनिया में बहुत प्रकार के इंसान पाए जाते हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में भगवान के बाद ऋषि मुनि को पूजा जाता है, ऋषि मुनि से सलाह लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है आगे का फ्यूचर के लिए, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों से बहुत ज्यादा पता रहता है, क्योंकि वो लोग भगवान का अटैच में रहते हैं। वो लोग तप के बल से बहुत सारा पावर हासिल कर लेते हैं, जिससे वो मानव का बहुत कल्याण कर पाए। पर इस दुनिया में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। ठीक उसी प्रकार से ऋषि लोग में भी 95% जो ऋषि मुनि होते हैं वो ढोंगी होते हैं, वो औरों को लूटना चाहते हैं, और बहुत प्रकार से वो लोगों को बनाते हैं। पर लोगों के मन में ये चलता है कि नहीं, ये ऋषि मुनि है, क्योंकि वो लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस को हम लोग बहुत मान देते हैं। इसीलिए हम लोगों को समझ में आता नहीं है कि कौन असली है और कौन नकली है, और हम इस ढोंग में फंस जाते हैं। पर यहाँ पर हमारा कोई गलती होता नहीं है, जितना भी गलती रहता है, जितना भी पाप होता है, वो ऋषि मुनि लोग करते हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल उठ रहे होंगे, कैसे हम समझें कि कौन असली है और कौन नकली है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जहाँ अच्छे इंसान रहते हैं वहाँ बुरे इंसान भी रहते हैं। पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा अच्छे लोग रहते थे, पर आज के समय में इस कलयुग में 95% लोग बुरे हो चुके हैं। हम अच्छे ऋषि मुनि को कैसे पहचाने और अपना गुरु बनाए, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि गुरु के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, और कैसे आपको पता चलेगा कि असल में वो सही गुरु है या नहीं। वहां से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि 95% जो ऋषि मुनि है, जो ढोंगी रहते हैं, उनके पीछे का काला सच्चाई क्या है, वो कैसे इंसानों को लूटते हैं, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और एक रियल घटना के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। आज का स्टोरी उस ऋषि मुनि के बारे में है, जो गाँव में जाते हैं और गाँव में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, और अपने पास में 2-3 सांप रख लेते हैं। ऋषि मुनि के संग कुछ चेले लोग रहते हैं। जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठे रहते हैं, सब चेले लोग उसके आसपास में बैठे रहते हैं। गांव के लोग भी देखते हैं ये कौन ऋषि मुनि है, जो यहाँ पर आकर बैठा हुआ है, यहाँ पे क्यों आया है। बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। ऋषि मुनि अपना आँख खोलते हैं और अपने चेले लोग से कहते हैं, यहाँ से तुम 20 फुट दूर चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा जहाँ एक सांप बैठा हुआ होगा, जाकर उस सांप को तुम पकड़ के ले आओ, वरना वो किसी को काट लेगा। और दूसरे चेले को कहता है, यहाँ से कुछ दूर में एक तालाब है, उस तालाब के सामने कुछ सांप बैठे हुए हैं, जो भी उस तालाब में नहाने आएगा वो उसे डस सकता है, और उससे बहुत इंसान का मौत भी हो सकता है, तुम अभी कभी जाओ। जब उसका चेले लोग वहां से जाते हैं तो उसके संग में बहुत गांव वाले भी जाते हैं। पेड़ के नीचे भी सांप बैठा हुआ है और तालाब के सामने भी सांप बैठा हुआ है। उसके चेले लोग जाकर उस सांप को पकड़ के लेके आते हैं और लाकर ऋषि मुनि के सामने रख देते हैं। ये देखने के बाद अब आपके मन में ये चल रहा होगा, उस ऋषि मुनि को कैसे पता चला कि वहां पे सांप है और उसे जाकर पकड़ के लेकर आना है। तो चलिए उसके बारे में आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऋषि मुनि का कॉन्सेप्ट ये था कि जब वो अपने चेले लोग को सांप लाने के लिए भेजेंगे, तो उसके संग में कोई ना कोई गांव वाला तो जरूर जाएगा देखने के लिए कि ऋषि मुनि सही में कहा है या नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत सीधे साधे होते हैं, उनके अंदर में कोई मैल होता नहीं है, वो लोग बिल्कुल ही आयना की तरह होते हैं, इसीलिए वो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उनके अंदर में ये नहीं चलता कि ऋषि मुनि होकर ये धोखाधड़ी कर सकता है या हमें लूट सकता है। ये घटना देखकर वो ऋषि मुनि को भगवान मानने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि तो त्रिकालदर्शी है, ये ऋषि मुनि तो कुछ भी कर सकता है। सब लोग ये कहते हैं, बाबा हम पर भी कृपा करिए। बस वहां से स्टार्ट होता है ऋषि मुनि का असली कहानी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सांप वहां पर कैसे आया है, तो चलिए पहले उसको मैं क्लियर करता हूँ। जब ऋषि मुनि उस गांव में आते हैं तो जगह जगह पर सांप रख देते हैं, और इस प्रकार का सांप रखते हैं जो पोसा हुआ सांप रहता है उसको एक बार जहां पर बैठा दिया जाए वहां से वो कहीं जाएगा नहीं, वहीं पर बैठा हुआ रहेगा या वहीं पर सोया रहेगा। लोगों को देखकर ऐसा लगेगा कि ऋषि मुनि भविष्यवाणी किए हैं और असली में भविष्यवाणी सही हो गया है, और ऋषि मुनि उसी प्रकार से आंख बंद करके हर बात कहते हैं और सब कुछ सच हो जाता है। ये देखकर वहां के हर इंसान चौंक जाते हैं और आकर ऋषि मुनि के पैर पे गिर जाते हैं, और यहां से स्टार्ट होता है ऋषि मुनि का काला सच्चाई। अब आपके मन में ये चल रहा हो ये काला सच्चाई क्या है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये जो काला सच्चाई है यहाँ से धंधा स्टार्ट हो जाता है। ऋषि मुनि अपना पैसा कमाने का एक स्रोत स्टार्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बताता हूँ। जो नकली ऋषि मुनि होते हैं वो अपने बैग में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रखते हैं, लाल कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, व्हाइट कलर का। वो सब पत्थर देकर मुद्रा की तरह लगेगा, मोती के समान लगेगा, और वो सब पत्थर 2-4 रुपए में मिलता है। और ऋषि मुनि वो पत्थर अपने पास में रखते हैं, लोग उनसे अगर कहते हैं, बाबा हमारा भी हेल्प करिए, हमारे कष्ट को दूर करिए, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपने जहाँ जहाँ पे कहा था वहाँ वहाँ पे हमें सांप मिला है, इसीलिए हम चाहते हैं हमारे लाइफ में जितना दुख है, जितना कष्ट है, उसे आप दूर कर दीजिए। इतना कहने का ऋषि मुनि अपने बैग से एक छोटा सा मुद्रा निकालकर, एक छोटा सा स्टोन निकालकर उसके हाथ में दे देते हैं। रोज रात को जब आप सोने जाइएगा, जिसे अपने तकिए के नीचे रख के सोइएगा, आपका कोई भी लाइफ में दुख या कष्ट रहेगा नहीं। एक बार आप करके देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। पीछे से भीड़ में उनके बहुत सारे चेले वहाँ पे मिले रहते हैं, जो बाद में आते हैं, वो आकर कहते हैं, ये बाबा हमारे गाँव में कुछ दिन पहले आए थे और इन्होंने हमें एक पत्थर दिया था, हमारे लाइफ में जितना दुख है, जितना कष्ट है, सब दूर हो गया। ये सुनने के बाद लोग लाइन लगाकर वो पत्थर किनने शुरू कर देते हैं, और 100-200 रुपए करके वो पत्थर वहां पर बिक्री स्टार्ट हो जाता है। अब आप मान लीजिए, एक पत्थर को उस बाबा ने 5 रुपए में किना है और वो 100 रुपए में एक पत्थर को बेच रहा है, एक पत्थर में वो 95 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और एक दिन में वो कम से कम 100 पत्थर बेच रहा है, तो आप उसे 95 से 100 इंटू कर लीजिए, 9,500 का प्रॉफिट वो बाबा कमा रहा है। और अपने पास में बहुत सारे चेले रखा है, 2-4 चेले उसके संग में आए हैं, 2-4 चेले उनके भीड़ में मिले हुए हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं।
ऋषि ने कुछ लोगों को इसलिए रखा है जो जाकर सांप उस जगह में रख देंगे। कुछ जगह में ऐसे सामान रख देते हैं जैसे ब्लैक मैजिक होता है, जैसे नींबू हुआ या बहुत प्रकार के सामान होते हैं, वहां पे वो रख देते हैं और कहते हैं इस गांव में बहुत प्रकोप है, उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। तो लोग पूछते हैं कैसा मुश्किल सामना होगा। ये सुनने का ऋषि मुनि कहते हैं सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना सुनने का लोग डर जाते हैं, बस डर का फायदा वो ऋषि मुनि उठाता है और उन गरीब लोगों का पैसा पल भर में वो लूट कर वहां से निकल जाता है और फिर कभी भी उस गांव में वो नजर आता नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज के समय में ऋषि मुनि लोग भी ढोंगी बन चुके हैं, उनके अंदर में पाप भर चुका है और पैसा कमाने के लिए ही वो ऐसा गंदा काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ऋषि मुनि के अंदर में काला सच्चाई क्या होता है आपको पता चल गया होगा। एक बार आप सोच के देखिए, जब बुराई बढ़ चुका था तो क्या श्री राम ने जन्म नहीं लिया बुराई को खत्म करने के लिए? बुराई बहुत ज्यादा हो चुका था, फिर भी राम ने आकर वहां पर धर्म का स्थापना किया था। इसी प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अपने अंदर में कैसे हैं वो मैटर करता है। आज के समय में 90-95% ऋषि मुनि जो है वो ढोंगी होते हैं, इसीलिए हम लोग किसी पर विश्वास करते नहीं है। एक बात अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है, क्योंकि जो ठग रहा है वो पाप कर रहा है। अगर आप ठगे गए हैं आपने तो कोई पाप किया नहीं है। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो बनाने का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे बटन से प्रेस जरूर करिए। ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।